हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज महाराजा, महारानी, कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज पे। तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ महाराजा कॉलेज की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर। आज के इस वीडियो में आपसे बात करूँगा महारानी कॉलेज की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सुविधाएँ हैं महारानी कॉलेज में, हॉस्टल है या नहीं है, कौन सा हॉस्टल है, कितने हॉस्टल्स हैं, लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएँ हैं, कितनी सीट्स हैं हॉस्टल के अंदर, और टोटल जो एडमिशन है स्टूडेंट के उनमें कितनी सीट्स हैं, एडमिशन प्रोसेस 2020 क्या चल रहा है। साथ ही मैं बात करूंगा स्पोर्ट्स NSS NCC है या नहीं है। तो ये विभिन्न जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं इन पे मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बिल्कुल पेशेंस बना के एंड तक वीडियो को देखना है। जितनी भी छात्राएं हैं महारानी कॉलेज की वो विशेष करके इस वीडियो को देखें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको एजुकेशन जुड़ी हुई सभी अपडेट्स। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे उसको आपको एक फायदा होगा, आपको मैं पर्सनली रिप्लाई वहाँ पर कर पाऊंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ महारानी कॉलेज एकमात्र महिला महाविद्यालय है जो राजस्थान का ऐसा महिला महाविद्यालय है जिसमें सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। BA, BSc, BCom, BCA, BBA, ऑनर्स, पास कोर्स, सारे जितने भी कोर्स होते हैं अंडर ग्रेजुएट के सारे कोर्स महारानी कॉलेज में उपलब्ध हैं। महारानी कॉलेज की कट ऑफ ज़्यादा रहती है, आप सभी को पता है, क्योंकि सीटें ज़्यादा नहीं हैं, और पूरे राजस्थान की जो छात्राएं हैं सबके मन में ये होता है कि मेरा जो सिलेक्शन है वो महारानी कॉलेज में हो, तो परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा जाती है। अब मैं इसमें बात करूँगा एडमिशन प्रोसेस की, उसमें बताऊँगा कितनी परसेंटेज रही है और कितनी कट ऑफ आ चुकी हैं। उससे पहले मैं बात करूँगा कि सुविधाएँ क्या क्या हैं महारानी कॉलेज के अंदर। अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो महारानी कॉलेज का जो गवर्नमेंट हॉस्टल है वो है आपका मदर टेरेसा एनी बीसेंट। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी प्रॉपर, हॉस्टल्स पे मेरी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो भी छात्राएं मदर टेरेसा एनी बेसेंट जो हॉस्टल है उसके अंदर अगर एडमिशन लेना चाहती हैं, एडमिशन फॉर्म भरना चाहती हैं, तो क्या फीस होती है, कितनी सीट्स हैं, इसके ऊपर मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें भी बता देता हूँ कि जो मदर टेरेसा एनी बेसेंट है ये महारानी कॉलेज का एकमात्र गर्ल्स हॉस्टल है जो गवर्नमेंट हॉस्टल है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से ये सर्टिफाई है। अब मैं इसमें बात करूँ कि कितनी सीट है, तो करीब 340 के आसपास इसके अंदर सीट है, 320 या 340 के आसपास में सीट है। मैंने उस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है, तो आप जाके इसमें देख सकते हैं। अब मैं बात करूं लाइब्रेरी सुविधा, तो लाइब्रेरी सुविधा बिल्कुल है, जिस प्रकार से महाराजा कॉलेज में लाइब्रेरी सुविधा है, राजस्थान कॉलेज में है, या राजस्थान यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसी प्रकार से महारानी कॉलेज में भी लाइब्रेरी सुविधा है। विभिन्न प्रकार की बुक्स हैं, सभी कोर्सेज की बुक्स हैं, और काफ़ी अच्छा, सबसे अगर बढ़िया महारानी कॉलेज में है तो स्पोर्ट्स, सभी छात्राओं को मौका दिया जाता है स्पोर्ट्स में आगे जाने का। और ये सब सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट इस कॉलेज में जो एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट वो हमेशा स्पोर्ट्स में आगे रहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में हमको फ्रीडम दिया जाता है खेलने के लिए, अदर एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स में हो। NCC NSS भी है, अगर आप आगे जाके एयरफोर्स, नेवी या पुलिस में या फोर्सेज में अगर आप आर्मी वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप NCC NSS से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं देश की। और मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊं, छात्र संघ चुनाव होते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी संगठक कॉलेज है, सिर्फ महारानी नहीं, महाराजा, कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होते हैं। अगर महारानी की कोई स्टूडेंट या कोई छात्रा आगे जाके मतलब अपना पॉलिटिशियन के रूप में या पॉलिटिक्स में आगे जाके करियर बनाना चाहती है तो वो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। जितनी भी छात्राएं हैं वो छात्र संघ का चुनाव लड़ सकती हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज, महारानी या जितने भी और कॉलेज हैं उन सभी में जो यहाँ पर आपके प्रोफेसर्स होते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, जो पढ़ाते हैं आपको, तो जो फैकल्टी है, जो टीचिंग फैकल्टी है, वो आप सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है उनमें सब में सिलेक्टेड टीचर्स होते हैं, सब बड़ी बड़ी एग्जाम्स को पास करके आते हैं, तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर अगर बात की जाए तो। क्योंकि जितनी भी छात्राएं हैं वो सोचती है कि भाई मेरा एडमिशन महारानी कॉलेज में हो जाए तो पढ़ाई भी अच्छी होती है वहाँ पर, और सभी स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, तो जितने भी टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं सब महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती हैं। स्कॉलरशिप जरूर मिलती है, अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो महारानी कॉलेज में भी यस स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप SC ST OBC MBC या माइनॉरिटी से हो, इन कैटेगरियों से हो, तो आप कुछ जितनी भी छात्राएं इन कैटेगरी से हैं उन सभी को यहाँ पर छात्रवृत्ति मिलती है, इंस्पायर, MHRD, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, और गर्ल्स को तो और भी ज़्यादा छात्रवृत्ति मिलती हैं, काफ़ी सारी जो होती हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही स्कॉलरशिप बनती हैं, तो सभी स्कॉलरशिप आपको मिलेंगी। स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने एक पर्सनल वीडियो बनाया हुआ है पर्टिकुलर, उसको जाके आप देख सकते हैं, मैंने खुद ने उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलती है।
तो उसका भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ महारानी कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस जो चल रहे हैं 2020 यूजी एडमिशन 2020 की अगर मैं बात करूँ तो महारानी कॉलेज की सिर्फ तीसरी कट ऑफ नहीं आई है, बाकी दो कट ऑफ आ चुकी हैं। काफ़ी हद तक परसेंटेज हाई रही है इस बार अगर पिछले साल की मैं तुलना करूँ तो। तीसरी कट ऑफ आना बाकी है। जो कमेंट कर रहे हैं सभी बच्चे मेरी लास्ट वीडियोस पे, सर महारानी की तीसरी कट ऑफ कब आएगी, तो मैंने बोला था इस वीक के अंदर आ जाएगी। कंफर्म नहीं है कि आ जाए या कल आए, लेकिन इस वीक में आ जाएगी, इस वीक के अंदर महारानी की कट ऑफ आ जाएगी और बहुत जल्द यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी आपकी जारी हो जाएगी। अगर आपका महारानी कॉलेज और किसी भी संगठक कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम पर और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।